बाल लोग पूछते रहते हैं कि ईद उल फितर में तो हम कुछ खा पी के जाते हैं ईदगाह को, और ईद उल अजहा में हम कुछ खा पी के नहीं जाते, तो खाना पीना कब शुरू करना है? तो कुछ लोग समझते हैं कि ईद की नमाज ख़त्म हुई खाना पीना शुरू, जबकि ऐसा नहीं है। असल सुन्नत ये है कि ईद के दिन आप आए उसके बाद भी ना खाएं, कुर्बानी का गोश्त बन जाए तो वहाँ से खाने की शुरुआत हो, क्योंकि ये रोज़ा नहीं है। ईद उल अजहा के दिन जो बगैर खाए पिए हम ईदगाह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम का रोज़ा है या इतनी घड़ी का रोज़ा है, इतने घंटे का रोज़ा, ये रोज़ा वोज़ा नहीं है। इसके पीछे मकसद ये है कि इस दिन हल्क से पहला लुकमा जो उतरे वो कुर्बानी का गोश्त हो। इसी मकसद के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के दिन कुछ खाते पीते नहीं थे। जो शुरुआत होती थी वो कहाँ से शुरुआत होती थी? कुर्बानी के गोश्त से। तो अगर कोई शख्स इसका एहतमाम करे तो मुकम्मल तरीके से, यानी मुकम्मल सुन्नत पर अमल करे। तो सुन्नत ये नहीं है कि ईद की नमाज पढ़े उसके बाद खाते पीते घर जाएं, जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे जहाँ ईदगाह होती ना उसके बाहर ठेले लगे होते हैं, कोई खांचा बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और ईद की नमाज पढ़े और खाते खाते घर जा रहे हैं। समझते सुन्नत अदा हो गई? नहीं, आप जाए घर पर, कुर्बानी हो जाए और उसके गोश्त से शुरुआत करें, उसके बाद जो खाना है वो खाएं, ये असल सुन्नत है। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।